आज बात करते हैं फैशन की डेफिनेशन का। फैशन का मतलब क्या है? वेल, पॉल एच नाइस्ट्रोम ने बोला कि फैशन इज द स्टाइल विच इज एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेल, ग्रुप मतलब टीनेजर्स का फैशन अलग, लड़कियों का अलग और एडल्ट्स का अलग, एंड ऑफ कोर्स दादी माँ का भी अलग। और टाइम, जैसे 70s का फैशन अलग, 80s का अलग, 90s का अलग और अब का डिफरेंट है। वेल, और बात करें कि फैशन है क्या। फैशन वो एक आर्मर है, एक कवच है जो हमें प्रोटेक्शन देता है, यानी कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। साथ ही साथ ये प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। आप देख ही तो रहे हैं, वुमेन पहले पर्दे में थी और अब वो एक इवॉल्व्ड सिस्टम में है। सो हमारी सोसाइटी के हिसाब से वो एम्पावर्ड लुक दे रही हैं। इसके अलावा फैशन इज ऑल्सो अबाउट एसेंशियली चेंज, बट बहुत सी बार ये चेंज इज जस्ट फॉर द चेंज एंड नॉट फॉर रियल इम्प्रूवमेंट। सो कई बार फैशन चेंज होता है जो कि खैर हम पे सुंदर नहीं लगता, बट हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज चेंज करते हैं। और याद रखिए, फैशन वो पोटेंट पावरफुल फोर्स है जो सिर्फ हमारे गार्मेंट्स या एक्सेसरीज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूता है। यानी कि हम कौन से रिजॉर्ट में जा रहे हैं, कौन सा लगेज कैरी कर रहे हैं, कहाँ पे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और कौन से फर्नीचर को यूज कर रहे हैं, ये सब काउंट होता है हमारे फैशन की डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी में। फैशन के लिए ये याद रखें कि फैशन हमारे एटीट्यूड को भी बताता है। एटीट्यूड का मतलब है कि हम क्या सोच रखते हैं एज अ सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज में आप देखेंगे कि फैशन इज अबाउट सो मेनी लॉज, सेंचुरी लॉज। सेंचुरी लॉज का मतलब है जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस या अग्रेसिव ग्रुप्स ने हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं। जैसे टेररिज्म के डेज में या तालिबान के रूल में वुमेन को ज़बरदस्ती पर्दे में आना पड़ता है। सो इन सब बातों को ध्यान रखें जब आप फैशन को डिफाइन करने की कोशिश करें। थैंक यू।